देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5150 पहुंची। लगातार पांचवें दिन 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, अब तक 157 लोगों की मौत। आईसीएमआर के मुताबिक मंगलवार रात 9 बजे तक 1,14,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल टेस्ट हुए। देश के 136 सरकारी लैबोरेटरीज में हो रही है कोविड-19 की टेस्टिंग। कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी जारी रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। कोरोना संकट पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, खर्चों में कटौती समेत दिए 5 सुझाव। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के 25 नए मामले सामने आए, वहीं संक्रमितों की संख्या 550 पहुंच गई। इनमें से 331 मामले निजामुद्दीन मरकज से संबंधित हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने 5T प्लान का ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि इस प्लान के जरिए दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर रोक लगाई जाए। दिल्ली में अब केवल 3 प्राइवेट अस्पतालों में ही कोरोना वायरस का इलाज होगा। इन तीनों अस्पतालों के पास कोरोना की अलग विंग है। इसके लिए हर सर गंगाराम, साकेत, मैक्स और अपोलो सरिता विहार को अधिकृत किया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य में छिपे तबलीगी जमात के लोगों को चेतावनी दी है कि वो 24 घंटे में सामने आकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने तबलीगी कार्यालय से निकाले गए 1950 जमातियों के फोन नंबर पुलिस को दिए। पुलिस से कहा गया कि वो इन मोबाइल नंबर्स के जरिए पता लगाएं कि 25 मार्च से पहले ये लोग कहां कहां घूमे और किससे मिले। दिल्ली से महाराष्ट्र लौटे करीब 60 जमाती फोन बंद कर लापता हो गए। सरकार ने पुलिस को इन जमातियों को ढूंढने के लिए निर्देश दिया। उत्तराखंड में डीजीपी की चेतावनी के बाद तबलीगी जमात के 180 लोगों ने सरेंडर कर दिया। सरकार ने उन सभी को क्वारंटाइन में भेज दिया। यूपी के नोएडा में करीब 200 लोगों को कोरोना संदिग्ध मानते हुए क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने सेक्टर 8 की झुग्गियों में चलाया अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड में जी ग्रुप के सहयोग की सराहना की है। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के एमडी और सीईओ पुनित गोयनका ने ट्वीट करके पीएम केयर्स फंड में सहयोग की जानकारी दी। लॉकडाउन के बीच केटरिंग कंपनी सीसीआई भी लोगों की सेवा के लिए आगे आई। कंपनी के एमडी वीरेंद्र हांडा ने बताया है कि कंपनी की ओर से रोजाना करीब 10,000 लोगों को भोजन बांटा जा रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रेलवे ने देशभर के 2500 डब्बों में 40,000 आइसोलेशन बेड बनाए। रेलवे देशभर की 133 लोकेशनों पर रोजाना 375 बेड तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे विपक्षी नेताओं से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बातचीत में कोरोना से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से WHO पर निशाना साधा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि WHO चीन का पक्ष लेते हुए अमेरिका को गलत सलाह दे रहा है। दुनिया भर में करीब 14,00,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वायरस से मरने वालों की संख्या 80,000 के पार पहुंची है। अमेरिका के हालात सबसे ज्यादा खराब है। कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। उन्हें ऑक्सीजन के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया। ब्रिटेन में कोरोना की वजह से 5,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। अमेरिका समेत करीब 30 देशों ने भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की मांग की है। भारत ने भरोसा दिया है कि वो मानवीय आधार पर सहयोगी देशों को दवा का निर्यात करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संकट पर मंगलवार को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की निगरानी में लगे बीएसएफ के जवान ड्यूटी के साथ साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। इसके लिए जवान लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं। रेलवे ने अलग अलग रूटों पर चलने वाली 3 प्राइवेट ट्रेनों की बुकिंग 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने की घोषणा की। अब काशी महाकाल एक्सप्रेस, लखनऊ दिल्ली तेजस और अहमदाबाद मुंबई तेजस ट्रेन की बुकिंग 30 अप्रैल के बाद ही खुलेगी। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में 12,00,000 फूल खिलकर खूबसूरती बिखेर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी सुंदरता निहारने वाला कोई नहीं। ट्यूलिप गार्डन बंद होने से पर्यटन उद्योग को भी 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी अभी खत्म नहीं होगी। महबूबा को श्रीनगर की अस्थायी जेल से उनके सरकारी घर पर शिफ्ट कर दिया गया है। सीबीआई ने देश भर के लिए प्रमुखों को चिट्ठी लिखकर साइबर क्राइम के प्रति सचेत रहने के लिए कहा है। सीबीआई ने आशंका जताई है कि कोरोना की आड़ में अपराधी साइबर अपराधों को अंजाम देकर लोगों को लूट सकते हैं। आतंकियों ने श्रीनगर में सीआरपीएफ की पेट्रोल पार्टी पर ग्रेनेड फेंककर दो जवानों को घायल कर दिया। हमले के बाद जवानों ने जवाब दिया, लेकिन आतंकी भाग निकलने में कामयाब रहे। दुनिया में कोरोना महामारी के बीच अद्भुत खगोलीय घटना देखी गई। मंगलवार रात साल 2020 का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला चांद देखा गया। इसे सुपर पिंक मून भी कहा जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी को देखते हुए यात्रा ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम तेज कर दिया गया है। राजस्थान सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में आइसोलेट किए गए 13 जमातियों का मंगलवार शाम को सैंपल लिया गया। इसके बाद नगर पालिका की ओर से खुद श्याम मंदिर को सैनिटाइज किया गया। कश्मीर के गुलमर्ग में हुए हिमपात से बर्फ की सफेद चादर देखने को मिली। इस हिमपात से गुलमर्ग में मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 150 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1018 पर पहुंच गई। महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। सरकार ने कहा कि अगर राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ी तो लॉकडाउन जारी रखा जा सकता है। मुंबई में एक ही परिवार के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहले इस परिवार का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था, लेकिन जब परिवार के बाकी लोगों की जांच की गई तो बाकी 6 लोग भी पॉजिटिव मिले। बीएमसी ने मुंबई के बांद्रा की भीड़ कम करने के लिए दुकानों को सम विषम तारीखों पर खोलने का आदेश दिया है। एक तरफ की दुकानें सम और दूसरी तरफ की दुकानें विषम तारीखों पर खोली जाएंगी। महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ पुणे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। कोरोना वायरस से जुड़ी झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने पर महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने 113 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि गड़बड़ी फैलाने वालों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमातियों के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस टीम ड्रोन से इलाके की निगरानी कर रही है और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है। यूपी के फिरोजाबाद जिले में जमातियों के संपर्क में आए 27 में से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बाकी लोगों की रिपोर्ट अभी मिलनी बाकी है। इसके साथ ही फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 हो गई है। देहरादून में कोरोना पर जागरूकता अभियान चलाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम का समुदाय विशेष की नाराजगी उसे झेलनी पड़ी। उन्हें समझाने के लिए स्थानीय पार्षद मेहताब आलम पहुंचे, लेकिन लोग उनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं हुए। मध्य प्रदेश के कोबरा जिले में पुलिस एक युवक को यमराज का वेश बनाकर शहर में घुमा रही है। साथ ही गदा और यम पाश लेकर घूम रहा यमराज ये कह रहा है कि यदि लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो वो उनकी जान ले लेगा। लॉकडाउन होने के बाद वाराणसी के कैंट स्टेशन पर अटके 3 दर्जन यात्रियों को स्टेशन में बने वेटिंग हॉल में क्वारंटाइन किया गया। उन यात्रियों को बोरियत से बचाने के लिए योग